ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आइए शुरू करें खबरों का सिलसिला एक बार फिर। नगर निगम भिलाई 3 चरोदा के राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए निगम आयुक्त अजय त्रिपाठी के द्वारा विभागीय बैठक ली गई। निगम आयुक्त ने उपस्थित समस्त राजस्व अमले से निगम द्वारा वसूल किए जाने वाले संपत्ति कर, संकेतिक कर, जल कर, भू भाटक, शिक्षा उपकर, निर्यात कर की क्रमवार समीक्षा की। इस माह के अंत तक 100% करदाताओं को मांग प्रेषित करने और बड़े बकायेदारों को समय सीमा में कर जमा करने नोटिस जारी करने निर्देश दिए हैं। वसूली कार्य 100% करने के साथ साथ री असेसमेंट करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने सभी कर्मचारियों को आदेश जारी किए गए हैं। वहीं डिफॉल्टर्स को कुर्की नोटिस जारी करने को भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त निगम आयुक्त ने निगम क्षेत्र अंतर्गत अतिक्रमण एवं अनाधिकृत निर्माण के सर्वे की जानकारी ली एवं इनकी साप्ताहिक रिपोर्ट भवन शाखा में जमा करने आदेश दिए। अब तक निगम क्षेत्र अंतर्गत अनाधिकृत निर्माण के नियमितीकरण हेतु प्राप्त निर्देश के तहत 170 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिस पर आयुक्त ने असंतोष व्यक्त किया। देखिए, हमारे नगरीय निकाय में वसूली की स्थिति, राजस्व की वसूली की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसको लेकर के लगातार हम राजस्व के जो मुहर्रिर हैं, सहायक राजस्व निरीक्षक हैं, उनकी मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन उससे अभी जो जिस तरीके का आउटकम आना चाहिए, जो सफलता मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही थी। तो अभी पिछली मीटिंग में हमने उनको निर्देशित किया है कि जिन भी किसी को आपने डिमांड नोटिस दिया है, अगर वो समयावधि में राजस्व जमा नहीं करते हैं, तो फिर उनके लिए कुर्की नोटिस जारी की जाए। और साथ में इसके अलावे राजस्व मुहर्रिर या जो सहायक राजस्व निरीक्षक वार्ड में देखते हैं, उनको ये भी कहा गया है कि जो अनधिकृत निर्माण है उनकी भी हमको सूचना दें। साथ ही अगर कहीं पर अतिक्रमण जैसी कोई घटनाकारित कोई कर रहा है तो उसकी भी सूचना दें, ताकि समय रहते उस पर कार्रवाई की जा सके। कुछ ऐसे बड़े बकायेदार हैं जिनको कई बार नोटिस देने के बाद भी वो राजस्व जमा नहीं कर रहे हैं, उनको अभी हमने 174 का नोटिस दिया हुआ है और उसमें एक समय सीमा दी है। अगर उस समय सीमा तक वो राजस्व जमा नहीं करते हैं तो फिर उनकी कुर्की की नोटिस 175 के अंतर्गत जारी की जाएगी और साथ ही उनको अखबारों में भी दिया जाएगा, कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। विगत सप्ताह 47 अनाधिकृत निर्माण की जानकारी प्रस्तुत की गई, जिस आधार पर सभी संबंधितों को नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 293, 296 और 303 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई 3 चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।